नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदूषण से दिल्ली का हाल बेहाल हो चुका है। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी और मंत्री मौजूद हैं। तो सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में ये अहम बैठक हो रही है। सभी विभागों के अधिकारी और मंत्री इसमें मौजूद हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हॉटस्पॉट इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, प्रदूषण से देखिए दिल्ली का हाल बेहाल हो चुका है और अब एक अहम मीटिंग सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में। देखिए बिल्कुल, दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कल हमने देर शाम देखा कि जो ग्रेफ 4 के नियम थे वो दिल्ली के अंदर लागू कर दिए गए। और कुछ ही देर पहले जो मीटिंग 12 बजे शुरू हुई थी, प्रदूषण को लेकर हाई लेवल मीटिंग थी, जिसमें तमाम जो विभाग थे उनके अधिकारी मौजूद थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद थे, दिल्ली सरकार के कई मंत्री इस बैठक में मौजूद थे, साथ ही साथ दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में मौजूद थे। फिलहाल कुछ मिनटों पहले ही अपडेट यह है कि कुछ मिनटों पहले ही वो मीटिंग खत्म हो गई और 1:30 बजे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मीटिंग में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं आने वाले समय के लिए, उसको जनता के सामने रखेंगे। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर यह है कि कुछ मिनटों पहले ही यह मीटिंग अब खत्म हो गई है। तो कुल मिलाकर बात करें, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, माना यह जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट ऑफिस हैं या फिर सरकारी दफ्तर हैं, उनके कर्मचारियों को 50% से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम की जो आदेश है वो जारी किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली के अंदर आने वाले समय में ओड इवन लगाने पर सरकार विचार कर सकती है, यह आदेश भी आ सकता है। साथ ही साथ कक्षा 5 तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद किया गया है, लेकिन कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो सरकार ने स्कूलों के ऊपर छोड़ा है कि अगर उनके पास व्यवस्था है तो वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या पाबंदियां होंगी उसका क्लैरिफिकेशन करने के लिए 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। नमित, एक चीज समझना चाहेंगे, राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जिसे सबसे अच्छा माना जाता है, किसी भी देश की राजधानी उसकी आन बान शान होती है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो हवाएं जहरीली हैं, यमुना का पानी आप देखिए वो भी एक तरह से जहरीला ही हो चुका है, हर तरफ प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। ऐसे में राजधानी के हालात को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ऐसे मौसम में जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जो स्कूली बच्चे होते हैं उनका घर से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ता हुआ काफ़ी खतरनाक है बुजुर्गों और बच्चों के लिए, क्योंकि उनको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि AQI लेवल 450 के जैसे ही क्रॉस होता है तो ग्रेफ 4 लागू हो जाता है। कल देर शाम से ग्रेफ 4 के नियम दिल्ली में लागू हो गए, जिसके अनुसार डीजल के जो ट्रक हैं वो दिल्ली में पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है क्योंकि दिल्ली सरकार और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो नियम ग्रेफ 4 के नियम दिल्ली के अंदर प्रदूषण पर लगाम लगाने को लेकर लागू किए गए हैं, अगर वो नियम NCR के इलाकों में भी लगे, चाहे गुरुग्राम हो या फिर नोएडा हो या फिर गाजियाबाद हो, तो थोड़ी सी प्रदूषण पर लगाम लगेगी, क्योंकि न केवल दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता ही है लेकिन आसपास के NCR के जो इलाके हैं, गुरुग्राम या फिर नोएडा या गाजियाबाद, यहां से भी पोल्यूशन दिल्ली के अंदर आता है, तो ऐसे में वहां पर भी ये पाबंदियां लगाना जरूरी है। बिल्कुल नमित, ये भी समझना चाहेंगे कि अगर हम देखें इस वक्त जो हालात बने हुए हैं और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस जो है उसे भी एडवाइजरी जारी की गई है, उसे भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ऐसी कोई जानकारी आपके पास?
देखिए बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस को भी एक नोटिस दिया गया है और उनको ये जानकारी दी गई है कि दिल्ली के अंदर ग्रेव 4 के बाद जो नए नियम लागू किए गए, चाहे उसमें BS3 मॉडल की जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं या फिर BS4 मॉडल की जो डीजल की गाड़ियां हैं, इसके अलावा दिल्ली के जो डीजल के जो ट्रक हैं उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर इस तरीके का कोई गाड़ी या फिर कोई ट्रक लेकर सड़कों पर उतरता है तो उनका 20,000 रुपये का चालान जो है वो किया जाए। ट्रैफिक पुलिस को सीधे तौर पर एक कड़ी हिदायत दी गई है कि इसमें कोई भी गुंजाइश ना की जाए, क्योंकि जो आउटर दिल्ली के इलाके हैं, खासतौर पर गाजीपुर की बात करें या फिर नरेला बॉर्डर की बात करें, वहां पर हमने देखा है कि इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को भी अब ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि जो लोग जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। नमित, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़े हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर नरेश, आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो दिल्ली के हालात बने हुए हैं उन्हें किस तरह से देखा जाए, आप उन्हें किस तरह से देखते हैं, क्योंकि स्थिति जो है वो ऐसी हो गई है कि रहने लायक नहीं बची अब राजधानी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम सिर्फ अफसोस जारी कर सकते हैं कि हर साल अक्टूबर दिसंबर नवंबर में ऐसा हो जाता है और इंटरव्यूज होते हैं, ये होता है वो होता है, बट स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लास्ट ईयर दिवाली के आसपास 400-450 तक एक भी जाता था, अभी तो दिवाली को आने में 7 दिन बाकी हैं और ऑलमोस्ट हम दिल्ली के कई इलाकों में कहीं 700 है, कहीं 800 है। तो इट इज क्वाइट चारू, इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। आई वुड से अभी तो मैं सिर्फ अपने मरीजों को, जो आम जनता है, उनको कुछ सुझाव देना पसंद करूंगा जिससे वो थोड़ा बचे। अदरवाइज एज वेल द गवर्नमेंट रूल्स, चाहे वेदर स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट की तकलीफें हैं, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण को हम दो नजरों से देख सकते हैं। एक, दिल्ली में जो बुराई दिल्ली की अपनी गलतियों से हो रही है, चाहे दिल्ली के व्हीकल्स ज्यादा हैं, चाहे दिल्ली में फैक्ट्रीज का धुआं आता है, चाहे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, और जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो दिल्ली के आसपास की स्टेट्स की वजह से जो पराली जलाई जाती है वो मैंने सुना है बहुत ही बुरी तरह कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोई नेशनल लेवल पे इंटरवेंशन होना चाहिए, उस हिसाब से कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पराली ना जलाई जाए। और जहां तक दिल्ली की अपनी तकलीफें हैं उसके लिए तो शॉर्ट टर्म मेजर्स भी किए जाएं और लॉन्ग टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म मेजर्स में तो यही है कि फिलहाल जो छिड़काव किया जा रहा है वो किया जाए अच्छे से। आस पास हमने देखा दिल्ली के हर DDA पार्क के बाहर पकड़ा, चाहे कुछ चाहे चाहे ना, माली बड़े आराम से जो सूखी पत्तियां उनको जला देते हैं, उससे प्रदूषण बढ़ता है। और कई लोग सिंपली जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी तो अपने आप को गर्म रखने के लिए भी आग लगाते हैं। ये चीजें जितनी कम की जाए उतनी अच्छी हैं। और जहां तक लॉन्ग टर्म का, तो मेरे हिसाब से दिल्ली बीइंग ए नेशनल कैपिटल मस्ट हैव ए लॉन्ग टर्म प्लान, वेयर बाई हम सोचते हैं अगर 2023 में ये खराबी है तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हम कुछ सोच सकें कि मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली भी लंदन पेरिस की तरह बकायदा EQI मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 परमिट किया जाता है वहां पे। अगर वहां पे 50 के ऊपर EQI हो जाता है तो वो नेशनल मेडिकल इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। तो हम दिल्ली वाले तो ये सब सहन करने के आदि से हो गए हैं। तो आई कुड ओनली अपील टू द गवर्नमेंट्स एंड एट द सेम टाइम आई विल अपील टू पीपल ऑफ दिल्ली ऑल्सो कि वो अपनी तरफ से जो कूड़ा कट्ठा कूड़ा फेंकते हैं या अपनी तरफ से जो झाड़ू लगाते हैं तो सफाई से लगाएं, और जो पत्तियां वत्तियां जला देते हैं या छुटपुट जलाते हैं उन सबको कम किया जाए। पीपल आर दिल्ली आर बैडली सफरिंग, बिलीव मी। मैं जब किसी ओल्ड मैन को देखता हूँ, 70 साल का है, उसको सांस की घुटन पहले ही हो रही है, पहले उसकी जिंदगी मुश्किल है, ऊपर से उसको मैं कहूँ EQI जो 600-700 चला गया है उससे और खराबियां आ गई हैं। तो आई कैन ओनली से वी दिल्ली मस्ट हैव ए लॉन्ग टर्म पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम एट इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। होता क्या है कि गवर्नमेंट के पास इतने झमेले हैं ना, हमारे हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है, ये एयर पोल्यूशन, व्हाई टू थिंक ऑफ एयर पोल्यूशन। अब मत भूलिए चाहुल, एयर पोल्यूशन के अलावा नॉइज पोल्यूशन, आप न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पे एक हॉर्न नहीं बजा सकते और मेरी दिल्ली की सड़कों पे इतनी आवाजें होती हैं, आप क्या सिक्का, मतलब इट मस्ट हैव ए प्रायोरिटी। अभी तक मुझे कोई दिल्ली गवर्नमेंट की ऐसी कोई प्रायोरिटी नजर नहीं आती जिस तहत हम समझे कि आज बुरा है तो कल शायद अच्छा होने वाला है। हमारे सहयोगी नमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, देखिए डॉक्टर नरेश भी यही चिंता व्यक्त कर रहे हैं जो मैंने आपसे सवाल भी किया था कि दिल्ली आखिर कैसे सेफ हो सकती है, क्योंकि हवाएं जहरीली हैं, यमुना का पानी जहरीला है। अब ऐसे में जिस तरह डॉक्टर नरेश ने भी जिक्र किया, एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है सरकार को लाने की, क्योंकि हर साल हम देखते हैं दिवाली से पहले ऑर्डर्स आ जाते हैं कि आपको पटाखे नहीं चलाने हैं, ऑड इवन लगा दिया जाएगा, ये सब टेम्पररी बेसिस पर कब तक चलता रहेगा, कोई परमानेंट इलाज क्यों नहीं है?
देखिए चारुल, जो डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि उनका ये कहना है क्योंकि हर साल ये प्रॉब्लम होती है, जैसे ही विंटर सेशन आता है तो अक्टूबर नवंबर और खासतौर पर नवंबर के जो शुरुआत के 15 डेज होते हैं, इस टाइम एक्यूआई लेवल काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। इसको लेकर निश्चित तौर पर कोई लॉन्ग टर्म प्लान जरूर बनना चाहिए और इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हालांकि पिछले 15 दिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक चिट्ठी जरूर लिखी थी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को और उन्होंने कहा था कि जो दिल्ली NCR के इलाके यानी कि जो हरियाणा उत्तर प्रदेश के जो पर्यावरण मंत्री हैं, इन सभी लोगों के साथ बैठकर एक हाई लेवल मीटिंग होनी चाहिए और उस मीटिंग में लॉन्ग टर्म प्लान पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि वो स्टेट नेशनल लेवल पर वो मीटिंग अभी हो नहीं पाई है क्योंकि जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है उनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो फिलहाल नियम लागू किए गए हैं उनमें अब लोगों को भी अपनी जन भागीदारी निभानी होगी, क्योंकि सरकार केवल नियम को लागू कर सकती है, उसको फॉलो केवल लोगों को करना होगा, चाहे उसमें दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान हो। कई बार हमने देखा है अभी भी कि लोग रेड लाइट पर रुकते जरूर हैं लेकिन अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं करते। आप यकीन मानिए कि जितनी गाड़ियां एक रेड लाइट पर रुकती हैं, अगर वो 1 से 1.5 मिनट के लिए भी अभी सभी गाड़ियां अपना इंजन ऑफ करेंगी तो उससे भी पोल्यूशन में थोड़ा सा कमी जरूर आएगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर फिलहाल तो रोक लगा दी गई है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो कई जगह पार्कों में हमने देखा है कि लोग सूखी पत्तियां जलाने लगते हैं, लकड़ियां जलाने लगते हैं, उससे भी पोल्यूशन होता है। उस पर भी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सरकार के बनाए हुए नियमों को फॉलो करना होगा। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, जिस तरह से स्थिति हम देख रहे हैं, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, और ऐसे में मुझे वो दो पंक्तियां भी याद आती हैं कि घोलकर जहर खुद ही हवाओं में, आज हर शख्स मुंह छुपाए फिर रहा है, यानी वायु प्रदूषण के जिम्मेदार हम, पानी में जो प्रदूषण है उसके जिम्मेदार हम, पानी जिस तरह से जहरीला है यमुना का, नॉइस पॉल्यूशन, जिम्मेदार तो हम खुद ही हैं कहीं ना कहीं इसके। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमें अच्छी हवाएं चाहिए तो भागीदारी बहुत जरूरी है, लेकिन ये भागीदारी भी गवर्नमेंट लेवल पे स्टार्ट होगी। वो RWS रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को इन्वॉल्व करें, काफी सारी NGOs को इन्वॉल्व करें, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को कुछ सख्तियां करनी पड़ेंगी। हमारी गवर्नमेंट्स ना मोस्टली पॉपुलिस्ट मोड में होती हैं कि जनता को नाराज नहीं करना, जनता शॉर्ट टर्म में तो नाराज नहीं होगी लेकिन लॉन्ग टर्म में तो स्वास्थ्य तो हमारा ही खराब हो गया ना। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में हर साल न्यू ईयर पे इतने पटाखे छूटते हैं, कुछ दिल्ली में भी छूटते होंगे, उनके यहाँ प्रदूषण फिर भी कंट्रोल्ड है बिकॉज काफी कुछ ठीक कर रखा है। हमारा तो कहते हैं पूरी दाल ही काली है, सब कुछ ही गलत चल रहा है। तो मेरे हिसाब से प्रायोरिटी वाइज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए सबसे पहले तो जो दूसरे प्रदेशों से जो हवाएं आती हैं, देखो हवाएं दिल्ली एज कंपेयर टू अदर सराउंडिंग स्टेट्स बहुत छोटा सा है, एज कंपेयर टू UP, एज कंपेयर टू हरियाणा, एज कंपेयर टू पाकिस्तान, एज कंपेयर टू पंजाब, वी आर वेरी स्मॉल प्लेस। तो हमें हवाओं के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं दूसरी प्रदेशों के साथ अच्छी साझ गांठ की जाए और नेशनल गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन। ये पराली का सिस्टम तो बंद करना ही पड़ेगा, उसके लिए दे शुड हैव ए बजट और बकायदा पराली के लिए उनको कुछ ऐसा प्रावधान मिलना चाहिए ताकि उनको कुछ फायदा हो वो पराली ना जलाएं। मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 60-70% प्रॉब्लम इसी से खत्म हो जाएगी, बाकी 30% के लिए जो व्हीकल्स हैं वो हमारी दिल्ली में, दिल्ली हैज मोर कार्स देन अदर 3 मेट्रोपोलिटन सिटीज इंक्लूडिंग मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो दिल्ली में कारें लोग कम रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करें, प्लस जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो धुआं धूल मिट्टी निकलती है वो बहुत ज्यादा है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है और उस हिसाब से हर मकान को पहले पॉलीथीन से कवर करना तब कंस्ट्रक्शन करना ये देखा जाए, प्लस जो अननेसेसरी कहीं भी लोग आग जला के बैठ जाते हैं वो सबको रोका जाए, प्लस जो ये स्प्रिंकलर पानी का स्प्रे किया जाता है उसको नॉट ओनली सिर्फ आजकल 2-4 दिन में किया जा रहा है, इसको राउंड द ईयर किया जाए। तो ऐसे कुछ सुझाव मैं समझता हूँ जब लगातार किए जाएंगे, प्लस बकायदा पेनल्टीज इम्पोज की जाए, जो भी दिल्ली का नागरिक ये नहीं मानता या इसका उल्लंघन करता है सजाएं दी जाए। ये सब लोगों को दिल्ली वाले या हमारे हिंदुस्तान वाले थोड़ा डंडे के यार ज्यादा हैं, तो मैं समझता हूँ ये सख्तियाँ की जाएं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो लोगों को शायद आदत पड़ जाएगी। कहते हैं ना डिसिप्लिन, अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बनता तो डिसिप्लिन इनकल्टेट करना पड़ेगा, उसको एनफोर्स करना पड़ेगा, तब जाके मैं समझता हूँ कि हम आज के कुछ साल बाद हम अपनी दिल्ली पे
गौरव कर पाएंगे कि हम दिल्ली वासी हैं, वो हमारी हवा और पानी और ये नॉइज पोल्यूशन नहीं है, ये सब चीजें ठीक है। डॉक्टर नरेश, एक चीज और है कि जिस तरह से स्थिति बन गई है, अभी एक छोटा सा मैं आपसे कमेंट और चाहूंगी, ऐसे में फिलहाल देखिए जो स्थिति है उससे तो पार पाना है, लोगों को क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? यस, एट टुडेस लेवल मैं कहूंगा कि जो छोटे बच्चे हैं और जो बड़ी उम्र के 60-70 प्लस हैं या जिनको कोई कोमोर्बिडिटीज हैं, जो पहले से सांस बीमार हैं, जिनको एस्थमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, या कोई हार्ट डिजीज है, या कोई लंग डिजीज या किडनी डिजीज, इन सब लोगों को मेरा सुझाव है कि वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में टिल 9:30 तक घर से बाहर ना निकले। बिल्कुल, देखिए घर से बाहर ना निकले क्योंकि इस वक्त राजधानी दिल्ली गैस चैंबर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इसी तरह चलते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। OTT प्लेटफॉर्म्स में अब भारत में बन रहा है, हजारों लोगों को इसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं और इस कंटेंट के माध्यम से एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। एंड इन रिस्पांस टू द डायनेमिक लैंडस्केप ऑफ द एंटरटेनमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द OTT सेक्टर व्हिच स्टैंड्स एट क्लोज टू 28% एनुअली, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द बेस्ट वेब सीरीज OTT Award, celebrating the outstanding content creators on OTT platforms. A total of 32 entries across 10 languages from 15 OTT platforms have it for this honor, and the winners will be given 10 lakh rupees. To 10 lakh rupees inaam bhi milega. इसी तरह से हमारा जो प्रेस्टीजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड है उसमें 15 फिल्में इस कंपटीशन में भाग ले रही और इसमें बहुत एक ऐसा कंपटीशन होता है कि लगता है कि इसको अवार्ड दें कि उसको अवार्ड दें, बहुत मुश्किल होता है चुनना भी, बहुत फियर्स कंपटीशन इसके अंतर्गत होता है। तो यहां पर भी बेस्ट कोवेटेड जो फिल्म है, बेस्ट फिल्म अवार्ड है जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलता है, उसको 40 लाख रुपया अवार्ड दिया जाएगा। एनिमेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, AVGC सेक्टर की अगर आप ग्रोथ देखोगे देश और दुनिया में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत में दुनिया भर की फिल्मों का कंटेंट क्रिएशन, पोस्ट प्रोडक्शन हो या कॉन्टेंट नया बनाने की बात हो, सब भारत में बहुत एक बहुत बड़ा व्यापार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।